दोस्तों आपको तो पता ही है कि जहर मानव के लिए कितना घातक है। इसकी कम मात्रा भी लोगों की जान बड़ी आसानी से ले सकती है। वैसे तो जहर लैब टेस्टिंग और मेडिसिन के लिए बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग गलती से तो कुछ लोग जानबूझकर इसका सेवन करके अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ जहर तो इतने घातक होते हैं कि इन्हें अपना प्रभाव दिखाने में सेकंड्स भी नहीं लगते, और हैरानी की बात तो ये है कि इनका पता पोस्टमार्टम पे भी नहीं चलता। वैसे भारत में जहर बहुत कम मिलता है, लेकिन जो हमारे आसपास कीटनाशक दवाइयां और विषैले पदार्थ होते हैं वे जहर ही तो हैं। वैसे साइनाइड और पोलोनियम 210 के बारे में आप जान ही चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खतरनाक पॉइजन के बारे में जानेंगे जिनसे आज तक आप वंचित हैं, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। यह वीडियो आपकी जान बचा सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर एक, एकोनाइट। जी हाँ दोस्तों, यह जहर बेल्फ गैंग पेड़ पर पाया जाता है। आम भाषा में इस पेड़ को शैतान के हेलमेट या जहर रानी के तौर पर जाना जाता है। इसकी बहुत कम मात्रा दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसकी जरा सी मात्रा वृद्धि हो जाए तो यह मौत का कारण बन सकता है, और जहर का शरीर में होने का कोई सबूत भी नहीं होता। खास बात तो यह है कि इस पेड़ से जहर को निकालना बहुत ही आसान है। इस जहर के प्रभाव से पहले दस्त शुरू होते हैं, फिर उल्टी आती है, फिर दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, और अंत में श्वसन तंत्र को लकवा मार जाता है जिससे कुछ ही सेकंड में व्यक्ति की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जाता है, पर जहर की मौजूदगी का पता भी नहीं चलता। अगर बहुत कम मात्रा में जहर का प्रयोग हो तो व्यक्ति 2 से 6 घंटे में मर जाता है और कोई निशान भी नहीं बचता। लेकिन अगर इस जहर की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इंसान की मौत तुरंत हो जाती है और निशान भी रह जाते हैं। नंबर दो, आर्सेनिक। दोस्तों आर्सेनिक एक ऐसा धातु पदार्थ है जिसका उपयोग खाने में किया जाए तो बहुत ही कम मात्रा में लोगों की जान चली जाती है। आर्सेनिक को जहर का राजा भी कहा जाता है। 1950 ईस्वी तक आर्सेनिक का उपयोग दीवारों में वॉल पेपर बनाने, दवा बनाने, धातु निर्माण और कृषि सामग्री में किया जाता था। आर्सेनिक का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर इसके 2-3 बूंद अपने चेहरे में लगाया जाए तो कुछ ही देर में चेहरा गोरा दिखने लगेगा। यूं तो आर्सेनिक का कोई नुस्खा नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके विषाक्त कैंसर, पीलिया, त्वचा रोग पैदा करने के लिए काफी है। आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण उल्टी, पेट में दर्द और अतिरिक्त स्त्राव के कारण कुछ ही घंटे में व्यक्ति की मौत हो जाती है, पर इसका शरीर में कोई भी लक्षण नहीं दिखता। इसलिए गुजरे समय में हत्या करने के लिए सबसे आसान हथियार माना गया था, क्योंकि इससे एक बार व्यक्ति अगर मर जाए तो पता नहीं किया जा सकता था कि इसकी मौत कैसे हुई। 18वीं शताब्दी में मंगल परीक्षण के दौरान आर्सेनिक की खोज की गई और इसका प्रयोग विज्ञान में किया जा रहा था, और बाद में यह हत्या करने का जरिया बन गया। नंबर तीन, राइजिन। दोस्तों ये कोस्टल ऑयल बीन में पाया जाता है। इसके कुछ दाने ही किसी के मौत का कारण बन सकते हैं। राइजिन साइटोटॉक्सिन होते हैं। ये शरीर के प्रोटीन चक्र पर हमला करता है जिससे सभी अंग अपंग होने लगते हैं, और इसका पूरा असर होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। लेकिन अगर जहर की मात्रा ज्यादा हो तो 24 घंटे में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। इस जहर की पहचान करना तो मुश्किल है, साथ इसका रोकथाम करना भी असंभव है। राइजिन के प्रभाव से पसीना आता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ देर में फेफड़े में दर्द, फिर संचय बंद होने लगता है, फिर बुखार आता है, और यह क्रिया धीरे धीरे तेज होने लगती है, और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। नंबर चार, बोटोनिलम टॉक्सिन। दोस्तों ये शरीर में सबसे पहले लकवे के रूप में अपना असर दिखाना शुरू करता है। बोटोनिलम टॉक्सिन खाने में या फिर पीने में मिलाकर लोगों को दिया जा चुका है। इसके एक चम्मच जहर में इतनी ताकत होती है कि लाखों लोगों को एक ही बार में मौत की नींद सुला सकता है। हालांकि इसे निकालना और जहर के रूप में देना काफी मुश्किल प्रक्रिया है। इसके असर से सिर में दर्द, चेहरे में ऐंठन, पेट में दस्त की समस्या होती है, और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। नंबर पाँच, बेट्रोटॉक्सिन। दोस्तों यह एक प्रकार का टॉक्सिन है जो गोल्डन डॉट मेंढक की त्वचा में पाया जाता है। इस जहर का उपयोग जेनियम इंडियन द्वारा शिकार के लिए किया जाता है। दोस्तों ये तीर के कोनों पर इस जहर को लगाकर शिकार पर वार करते हैं। एक मेंढक से निकला जहर किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए काफी है। नमक के 2 दाने के बराबर भी यदि इस जहर का उपयोग कर दिया जाए तो लकवा मार जाता है, और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों ये थे कुछ खतरनाक जहर जिनसे आज तक आप अवगत नहीं हुए थे। दोस्तों अगर आप गलती से जहर का सेवन कर लेते हैं तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। वेल दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।